सो ऐसे एस्पिरेंट जो पहली बार प्रिपेयर करते हैं बहुत सी गलतियां करते हैं। रेगुलरली रिवाइज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्नड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट जरूर देना है किसी ना किसी एक अच्छी टेस्ट सीरीज का। हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गेट प्रिपरेशन। सो अबाउट मी, आई एम अ गेट एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2025 एग्जाम। आई गेव गेट 2024 एग्जाम एंड आई जस्ट क्वालिफाइड द गेट एग्जाम। सो ऐसे एस्पिरेंट जो पहली बार प्रिपेयर करते हैं बहुत सी गलतियां करते हैं। जो मैंने गलतियां की जिसकी वजह से मेरा गेट 2024 एग्जाम नहीं निकल पाया, सो वो मिस्टेक्स वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स मुझसे ये हुई थी पिछली बार, आई जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट, आई डिडंट रिवाइज द सब्जेक्ट वेल एंड जो मैंने पढ़ा हुआ था वो भी मैं भूल चुका था। सो इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द रेगुलरली रिवाइज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्नड, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं एटलीस्ट वो रिटेन रहना चाहिए, वो चीज लॉस नहीं होनी चाहिए। बिना रिवाइज किए कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट मत करना। रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद ही आप रिविजन करने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ही एटलीस्ट 70% आपका रिविजन ओवर हो जाए, बीवाईक्यू ओवर हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट सब्जेक्ट। नाउ द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक आई डिड कि आई गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने जो मेहनत की थी एंड आई स्लोली गिविंग अप ऑन द गेट एग्जाम। सो आई थॉट कि मेरी रैंक नहीं आ पाएगी इतने से स्टडीज में, इतने से कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट में, जबकि मेरा सब्जेक्ट एटलीस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, बट वो है कि रिविजन नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी भूल चुका था। सो आई डिडंट गिव प्रॉपर टेस्ट सीरीज एंड प्रॉपर रिविजन, दैट्स वाई आई थिंक ये सारी कमी रही है जिसकी वजह से मेरी रैंक नहीं आ पाई। आई विल सजेस्ट कि डू नॉट अंडरस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी में जरूर मॉक टेस्ट देना, यू कैन चूज मेडिजी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेवर एवर गिव अप, डोंट थिंक अबाउट दिस। डेफिनेटली इट इज हार्ड एंड कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर करनी है, रिविजन करना है, बट यू कैन डू इट। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, डेफिनेटली विल गोइंग टू हैपन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जितनी भी चीजें हो चुकी हैं वो 70% एटलीस्ट रिवाइज हो जाए, देन उसके बाद ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की स्टिल रैंक आ सकती है, अगर आपका कम सब्जेक्ट भी हुआ तो स्टिल देर इज अ चांस कि आपका अच्छी रैंक आ जाए, एटलीस्ट डिसेंट रैंक आ जाए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जरूर देना है किसी ना किसी एक अच्छी टेस्ट सीरीज का, एंड यस चीजें अच्छी होंगी। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2025 एग्जाम।